हेलो व्यूअर्स, आप सबको फिर से एक बार स्वागत है नए ट्रिक के साथ। तो दोस्तों, आप सब तो फेसबुक यूज करते ही होंगे, और अगर आप फेसबुक यूज करते हैं यानी कि आप फेसबुक का जो मैसेंजर है वो भी यूज करते हैं, और यहाँ पर जो प्रॉब्लम होता है फेसबुक का जो मैसेंजर है उस पर लॉग इन करने का ऑप्शन मिल जाता है, लेकिन लॉग आउट करने का ऑप्शन जो नहीं मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेरा मैसेंजर कर लिया है ओपन, और यहाँ पर सेटिंग्स बार में मैंने ओपन कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैसेंजर में जो लॉग इन करने का ऑप्शन रहता है लेकिन लॉग आउट करने का ऑप्शन कहीं भी नहीं रहता है। यहाँ पर अगर आप चाहें कि आपका दूसरा अकाउंट लॉगिन करना तो यहाँ पर वो नहीं हो पाता है, यानी कि लॉग आउट करने का ऑप्शन ही नहीं रहता है। तो चलिए, आज का इस ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ये जो मैसेंजर है इस पर लॉग आउट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो ये वीडियो है वो शुरू करते हैं। के लिए आपको अपना मैसेंजर को सबसे पहले कर देना होगा क्लोज। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेरा मैसेंजर कर दिया है क्लोज, और चले जाना होगा अपने फ़ोन का जो सेटिंग्स है वहाँ पर। जाने के बाद यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख सकते हैं सबसे नीचे आपका फ़ोन में रहेगा एडवांस सेटिंग, वहाँ पर आपको कर देना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद नीचे आप देख सकते हैं जो ऐप्स है वहाँ पर आपको कर देना होगा क्लिक, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने फ़ोन में जितने भी इंस्टॉल्ड ऐप है वो हो जाएगा ओपन। ओपन हो जाने के बाद यहाँ पर आपसे आपको चूज करना होगा मैसेंजर। मैसेंजर चूज करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो क्लियर डाटा का बटन है वहाँ पर आपको कर देना होगा क्लिक। क्लिक करने के बाद फिर से ओके पर कर देना होगा क्लिक, और जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपका जो मैसेंजर का जो डाटा है वो अभी हो गया है डिलीट। और अब आपको फिर से बैक में चले जाना है। बैक में चले जाने के बाद आपको फिर से मैसेंजर को कर लेना होगा ओपन, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने मेरा फ़ोन में जो मैसेंजर इंस्टॉल है वो कर लिया है ओपन, और यहाँ पर पहले मेरा जो अकाउंट लॉग इन था वो अभी हो गया है लॉग आउट। यहाँ पर आपको चूज करना होगा दिस इज नॉट मी पर, और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं जो लॉग इन पहले से जो अकाउंट लॉग इन था वो फिर से हो गया है लॉग आउट। इसी तरह से आप अपना जो मैसेंजर है उस पर आप कोई भी अकाउंट को लॉग आउट करके दूसरे अकाउंट को कर सकते हैं लॉग इन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा पहले जो अकाउंट था वो हो गया है लॉग आउट। अभी आप जो अपना नया अकाउंट है उसका फ़ोन नंबर और पासवर्ड देके बहुत ही आसानी से जो ये मैसेंजर का लॉगिन और लॉग आउट का प्रोसेस है वो बहुत ही आसानी से आप लॉग आउट करके लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो ये ट्रिक है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर इस चैनल में आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो है जो है वो शेयर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक के साथ।